जिला पुलिस का अपराधियों के प्रति इतना सुस्त रवैया है कि किसी भी प्रकार के अपराध घटित होने पर पुलिस को जहां घंटों पहुंचने में लग जाता है, वहीं जांच के नाम पर महीनों टाला जाता है। अगर यही किसी सत्ताधारी के दबाव में काम करना हो तो चंद मिनटों में ही आनन फानन में पुलिस मामले दर्ज कर देती है और कार्यवाही कर वाहवाही लूटती है। जिला पुलिस पर आए दिन लग रहे आरोपों की पुष्टि भी तब हो जाती है जब कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को थाने बुलाकर पूछना भी मुनासिब नहीं समझती। दरअसल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां विगत दिनों रतहरी नहर के किनारे उप सरपंच का शव मिला था। परिजनों ने नामजद शिकायत की थी। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 15 दिन बीतने को हैं और पुलिस आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की। भाई की मौत से दुखी परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल ग्राम पंचायत मढ़ी थाना चुरहटा निवासी उमेश मिश्रा 8 सितंबर को घर से निकले थे, जिनका रात करीब 2:30 से 3 बजे तक लोगों से संपर्क रहा और 9 सितंबर को सुबह रतहरी नहर के किनारे उनकी लाश मिली थी। परिजनों को पूछताछ में ही जानकारी हुई थी कि साइकन के पास संचालित पेट्रोल पंप में भी रात उन्हें देखा गया था। साथ ही नए बस स्टैंड और अन्य जगह सीसीटीवी फुटेज में उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। अंतिम बार गौरव ओझा नाम के युवक के साथ 4 पहिया वाहन में देखे गए थे। बताया जाता है कि मृतक अपनी जमीन बेचकर लगभग 38 लाख रुपए खाते में जमा किए थे, जो अब खाते से नदारद हैं। परिजनों ने शंका व्यक्त की है कि उनके साथियों ने उनसे पैसे उधार लिए थे और बेटे की तबीयत खराब होने पर जब उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी तो साजिश रचकर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कराकर मौत के घाट उतार दिया और लाश को नहर के किनारे फेंक कर चंपत हो गए। अब पूरे मामले में पुलिस भी नीपापोती कर रही है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनाते हैं परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं। एसपी ऑफिस आए थे हम अपने बड़े भाई उमेश मिश्रा को, उनके कुछ दोस्तों ने ही उनके साथ रह के लास्ट टाइम में रह के जो जहर दे के उनको उनका शव को रतहरी नहर के किनारे फेंक दिया गया, उसके उपलक्ष्य में निष्पक्ष जांच के लिए हम एसपी ऑफिस में आए थे धरना उसके लिए आवेदन देने के लिए कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि 13 डेज निकल चुके हैं, अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी से ना ही पूछताछ की ना ही उठाया। और हमारा जो परिवार है, एक घटना के बाद आज भी भयग्रस्त है कि हम लोगों को भी घर से अब एक एक फोन आता है कि भाई शाम होते ही कि कहाँ हो, बाहर मत जाओ, ये है, क्योंकि अब आरोपी खुल्ला घूम रहे हैं, जो भी आरोपी हैं खुल्ला घूम रहे हैं। और ये इसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल इनको फेंका गया है, ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि हमारे भाई साहब ने एक 38 लाख की ज़मीन बेची थी और उनके अकाउंट में जब आके मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि उनके किया कर में जो भी पैसा लगेगा उसकी तैयारी के लिए, तो उनके अकाउंट में मात्र एक बैंक में -400 कोटक बैंक में था और SBI बैंक में मात्र 31 रुपये था। स्टेटमेंट के लिए उन्होंने मना किया कि ये पुलिस केस है, हम केवल पुलिस को दे सकते हैं या मृत्यु सर्टिफिकेट लाने के बाद ही कर सकते हैं, तो ये अभी पेंडिंग है कि वो कहाँ पे है। बट इसको ये समझ में आ रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है कि लोगों ने पैसा लिया, लेने के बाद जब उनके बेटे की तबीयत खराब हुई, वो काफ़ी परेशान हुए, तो उन्होंने उन पर डिप्रेशन का असर पड़ा कि मेरा बेटा खुद ही बीमार है, 1.5 लाख नागपुर लेके गए, एडमिट करा रखे थे, पैसा नहीं था, और ये सब लेके डिप्रेशन में लेके नए साथी कौन बने, और लास्ट में लेके वो बार बार प्रेशर बना रहे थे पैसे को लेकर। उन लोगों ने सुनिश्चित किया कि ऐसा है कि उस तरह के इन्होंने एक्टिविटीज की कि इनको मार के फेंका गया जाए। किसके ऊपर शक है, क्या है शक? मुझे तो ये है कि हम तो जानते नहीं कि इनको वो दिए, एक तो इन्हीं के सहपाठी हैं जो भी हैं, और लास्ट टाइम में जो इनको घर से लेके गए हैं गौरव बोझा जी, प्रवीण तिवारी हैं, जो कि बार बार
भाभी बता रही कि उनके पास भैया के फोन पे आ रहा था कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो भाभी ने फोन लेके मना भी किया था, वो घर में है, सो रहे हैं, आपको क्या काम है। तो बार बार वो फोन करते हुए फिर भाई जगे तो उनके साथ गए वो, और सीसीटीवी फुटेज में भी 11:46 में उन्होंने जय स्तंभ में जूस पिया कुछ दोस्तों के साथ, और वहां से बुलेट लेके वो निकले भी, और रतहरा साइड वहां सीसीटीवी फुटेज से निकल रहा है कि 12:02 में वो लोही की तरफ टोल नाका से वो निकले भी हैं। एडिशनल साहब क्या बोले? उन्होंने बोला कि उन्होंने नंबर दिया है, श्वासन दिया कि होता है अच्छी तरह से चेकिंग होगी, जो भी आरोपी हैं, अरे सीएसपी साहब को मार्क किए हैं, उनको फोन किए हैं, उनका मोबाइल नंबर भी हमसे साझा किए हैं, और उनको बोले हैं कि टुमारो सेकंड हाफ में कि इनको जो परिवारजनक है, जो भी है आवेदिका है, इनको बुला के इनकी चीजों को समझिए और निष्पक्ष जांच करिए। मेरा नाम गणेश मिश्रा है।